नमस्कार, एक बार फिर हाजिर है हम देश भर से कला संस्कृति और साहित्य जगत की गतिविधियों के साथ आपके अपने वीकली कल्चरल शो वाइब्रेंट भारत में। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। देश की विविध संस्कृति के कुछ नए रंगों के साथ इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर कुछ नया। तो चलिए आज का सफर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज वाइब्रेंट भारत के कल्चरल टूर में हम किन राज्यों की यात्रा करने वाले हैं। हम लेकर चलेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, केरल और राजधानी दिल्ली। सबसे पहले आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र, जहां राजधानी मुंबई में पिछले दिनों मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी MIFF 2022 का आयोजन हुआ। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म्स का ये प्रतिष्ठित उत्सव दुनिया भर की बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म देखने का मौका मुहैया कराता है। 29 मई से शुरू हुए इस 7 दिवसीय फिल्म उत्सव के 17वें एडिशन का बेहद रंगारंग तरीके से 4 जून को समापन हुआ। क्या खास रहा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में, आइए देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म का उत्सव मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी MIFF 2022 का पिछले दिनों मुंबई में आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस 7 दिवसीय फिल्म उत्सव का उद्घाटन किया। वैश्विक स्तर पर पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस बार का एडिशन हाइब्रिड रहा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में डिजिटल तौर पर शामिल हुए। वहीं बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस साल बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। MIFF 2022 में बांग्लादेश की 11 फिल्मों का एक खास पैकेज प्रस्तुत किया गया, जिसमें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म हसीना ए डॉटर्स टेल भी शामिल रही। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशन राव कराड़, फिल्म निर्माता शाजी करुण समेत कई गणमान्य व्यक्ति और नामी फिल्मी हस्तियां शामिल रहीं। दक्षिण एशिया के नॉन फीचर फिल्म का ये सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल साल 1990 में फिल्म डिविजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा शुरू किया गया, जिसमें नामी फिल्मी हस्तियां, डॉक्यूमेंट्री मेकर और फिल्म समीक्षक शामिल होते आए हैं। साल 2022 के लिए फेस्टिवल का 17वां एडिशन 29 मई से 4 जून के बीच आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश से 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पूरी हुई डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन फिल्मों को शामिल किया गया। MIFF 2022 के इस 17वें संस्करण में लगभग 400 फिल्में दिखाई गईं, जो दुनिया भर से इस महोत्सव में पहुंची। इनमें से 102 फिल्मों को प्रतियोगिता श्रेणी के तहत प्रदर्शित किया गया, जिसमें 35 अंतर्राष्ट्रीय में और 67 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत प्रस्तुत की गईं। श्री संजीत नरवेकर जी इज बीइंग कन्फर्ड विद डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस साल के डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से संजीत नार्वेकर को सम्मानित किया गया। फिल्म इतिहास पर 20 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन और संपादन कर चुके संजीत नार्वेकर एक अनुभवी भारतीय वृत्त चित्र फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक हैं। फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता के अलावा इंटरैक्टिव सेशंस, वर्कशॉप्स, मास्टर क्लासेस और B2B सेशंस जैसी गतिविधियां शामिल रहीं।
में प्यार लेके पराक्रम। इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान का पारा चढ़ा हुआ है। लोगों की परेशानी ही वजह भी यही है। लेकिन धूप और तापमान के बावजूद गर्मी के इस महीने में एक ऐसी चीज है जो इन्हें बेसब्री से इंतजार करने लायक बनाती है, और वो है फलों का राजा आम। बिल्कुल शालिनी, आम तो मुझे भी बेहद पसंद है, और भीषण गर्मी में मिठास भरते ये लाजवाब आम देखा जाए तो हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। आम्रपत्र से लेकर कच्चे और पके आम के फल भारतीय पूजन और संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, और गर्मी आते ही आम को उत्सव की तरह देश भर से अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा ही एक उत्सव मनाया गया बीते दिनों गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, राष्ट्रीय आम महोत्सव 2022 के रूप में। आइए चलते हैं गांधीनगर में, शामिल होते हैं इस मैंगो फेस्टिवल में। गर्मियों के आते ही जिस चीज का इंतजार हर किसी को रहता है वो है फलों का राजा आम। आम की तमाम किस्मों और उनके स्वाद को एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया गया गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, जहां पिछले दिनों 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। आयोजन के पहले दिन 46,280 किलो और दूसरे दिन 60,000 किलो आम बिके। पूरे उत्सव के दौरान आम की नई नई किस्मों के बारे में जानने को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखे। राष्ट्रीय आम महोत्सव 2022 में लोगों को मौका मिला 13 से ज्यादा राज्यों की 350 आम की किस्मों के जरिए विभिन्न राज्यों के आमों के बारे में जानने का। उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष गतिविधियां भी आयोजित की गई। और आज वाइब्रेंट भारत में हम आपको मिलवा रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बैनर्जी से, जिनकी हाल ही में रिलीज फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम खासी प्रशंसा बटोर रही है। थिंकिंग ऑफ हिम एक इंडो अर्जेंटीनी फिल्म है जो दार्शनिक कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के कुछ खास पहलुओं पर आधारित है। फिल्म में टैगोर का किरदार विक्टर बैनर्जी ने निभाया है। मसूरी में एक खास बातचीत के दौरान विक्टर बैनर्जी ने फिल्म से जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ साझा किए। नोबेल पुरस्कार विजेता दार्शनिक कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालते फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम हाल ही में रिलीज हुई। इंडो अर्जेंटीना की फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम का निर्देशन लैटिन अमेरिकी देश के फिल्म डायरेक्टर पाब्लो सीजर ने किया। फिल्म में टैगोर का किरदार विक्टर बैनर्जी और ओकैम्पो का किरदार अर्जेंटीनी एक्टर एलोनोरा वेक्सलर ने निभाया। भारतीय निर्देशक सूरज कुमार की सह निर्मित इस फिल्म से जुड़े अनुभव नामी कलाकार विक्टर बैनर्जी ने हाल ही में साझा किए। Sometimes when you play the role of an eminent person who is very much alive in the minds and hearts of the people, it is easier to misinterpret and make a mess of the portrayal. So in that sense, doing
Paramahansa Yogananda and doing Gurudev Rabindranath Tagore are probably my biggest challenges. No mystery beyond the present. No striving for the impossible. रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर आधारित फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम को काफी प्रशंसा मिल रही है। This love between you and me is simple as a song. I can't rate any of the other films which are fictional with a portrayal that is, you know, of a personality that as great as Tagore, and all of us have preconceived notions of what he looked like, how he walked, how he talked, and I've discovered from the little research that I've done that most of the impressions that the public have of the way he moved, the way he talked, are in fact incorrect, are exaggerations of that they've created in their own minds from little visuals that they picked up. But when you look at archival footage, you realize that the man had many other facets besides being, you know, just an incredible poet, you know. And so so playing Rabindranath stands out as a singular task in my career as an actor. I can't compare it with any other performance that I've put in. Of course. Victoria, you should sit here. और अब समय है सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक हस्तशिल्प कला के बारे में पूछा था। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है उनका नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। सही जवाब है अरणमुला कन्नड़ी, जो केरल की हस्तशिल्प कला है। आइए चलते हैं केरल और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। चमकते खूबसूरत प्रतिबिंब दिखाते ये हैं केरल के अरणमुला मिरर, जिन्हें अरणमुला कन्नड़ी के नाम से जाना जाता है। केरल की हस्तशिल्प की उत्कृष्टता की बेमिसाल नजीर। अरणमुला कन्नड़ी दूसरे सिल्वर्ड ग्लास मिरर्स की बजाय एक मेटल एलॉय मिरर है, जो खासकर केरल के पथानाम जिले के अरणमुला शहर की पहचान है। मंदिरों का शहर कहे जाने वाले अरणमुला की 200 साल से पुरानी ये कला उन 8 शुभ वस्तुओं में से एक है जिन्हें अष्टमंगलम के नाम से जाना जाता है, जो विशेषकर विवाह स्थल पर दुल्हन के प्रवेश के दौरान अहम भूमिका निभाते आए हैं। ये मेटल मिरर केरल के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। गुडलक चाम की तरह माने जाने वाले अरणमुला कन्नड़ी की उत्पत्ति अरणमुला पार्थसारथी मंदिर से जुड़ी मानी जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सदियों पहले शाही प्रमुख पार्थसारथी मंदिर में दर्पणों पर काम करने के लिए तिरुनेलवेली जिले से मंदिर कला और शिल्प के विशेषज्ञों के कुछ परिवारों को अरणमुला लाए थे। कन्नड़ी शीशे के बजाय धातु से बनाए जाते हैं और इसके बनने की प्रक्रिया पीढ़ियों से चले आ रही पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है। अरणमुला के दर्पणों की विशेषता का एक और कारण है, जहां शीशे के दर्पण में प्रतिबिंब उसकी भीतरी सतह पर किए गए पारे के लेप के कारण बनता है, वहीं धातु के इन आइनों में छवि मुख्य सतह पर ही बन जाती है। शीशे वाले दर्पण की भीतरी सतह की गहराई में अंतर होने से छवि में अंतर आ जाता है। अपने
अपनी विशिष्टता के कारण अरणमुला मिरर को GI टैग भी हासिल है। देश से इतर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी लगा 45 सेंटीमीटर लंबा अरणमुला मिरर देश की उत्कृष्ट हस्तकला का प्रतिबिंब साफ देखा जा सकता है। और शालिनी, अब इस सप्ताह के लिए दर्शकों का सवाल बताते हैं। इस सप्ताह के लिए आपका सवाल, अपनी स्क्रीन पर हम एक प्रसिद्ध स्थान दिखा रहे हैं, आपको पहचान करके इसका नाम हमें लिख भेजना है। पता स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और चलते चलते आपको लेकर चल रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां इंडिया हैबिटेट सेंटर में अंतर्ध्वनि कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक संध्या में भारतीय शास्त्रीय संगीत के रंग बिखरे नजर आए। कार्यक्रम का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियां। पहले जो था, पहले जमाने में इतना लंबा लंबा हम लोग नहीं बजा पाते थे कि एक राग डेढ़ घंटा नहीं बजा। अभी हम बजाते हैं अलाप जोड़ झाला, जैसे इंडिया में परफॉर्म करते हैं उधर ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, वो लोग बहुत आनंद लेते हैं। हाँ, कुछ देशों में ऑनलाइन एप्रिसिएशन मिलता है, ताली बजता है प्रोग्राम जब चलते समय। और कुछ देशों में जैसे कि यूरोप के कुछ देश, लिथुआनिया, पोलैंड, ये सब कंट्री में, स्पेन, रसिया, ये लोग सुनते हैं और बाद में ताली बजाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट तक ताली रुकते नहीं है। तो काइंड एप्रिसिएशन जो होता है वो थोड़ा अलग अलग है, स्टाइल ऑफ एप्रिसिएटिंग द आर्टिस्ट इज डिफरेंट। जब कोरोना शुरू हुआ था, मैं अपने यूरोप टूर से वापस आया था, तो वहाँ वापस आके ही एकदम कोरोना से सब बंद हो गया था। तो हम उस बीच में हम लाइव कॉन्सर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान था लोगों का, हम फेसबुक में लाइव करते थे, इंस्टाग्राम पे, ये सब जगहों पे, यूट्यूब में, ये सब जगहों पे अपने लाइव कॉन्सर्ट्स करते थे, जिसमें काफ़ी दर्शक इंडिया से भी और पूरे विदेशों से भी जुड़ते थे। तो ये एक अलग तरीके का एक अनुभव था कि लाइव में कैसे बजाया जाता है, क्योंकि आप जब ऑडियंस के सामने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं तो उसमें एक अलग ही आपको एक माहौल मिलता है, क्योंकि जिसमें आपको तालियों का गड़गड़ाहट सब कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन लाइव में आपको सिर्फ लाइक्स आते हैं। तो वो एक चीज़ एक डिफरेंट था, लेकिन हमें उससे भी अडाप्ट करके हमें वो परफॉर्मेंस करना पड़ा। मैंने काफ़ी 40 से 50 लाइव कॉन्सर्ट्स परफॉर्म किए। और वाइब्रेंट भारत में आज के सफर में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप हमारा ये खास शो सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, साथ ही वाइब्रेंट भारत को आप सनसेट टीवी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नमस्कार।